चंद्रपुर नाम का एक गांव था जो समुद्र से जुड़ा हुआ था। समुद्र के पास होने की वजह से वहाँ के लोग ज्यादातर मछलियाँ ही पकड़ा करते थे। वहीं मछलियों का राजा कहा जाने वाला पुनीत रहता था। पूरे चंद्रपुर में सबसे ज्यादा मछलियाँ जो बेचा करता था वो पुनीत ही था। आजकल मछलियों की बहुत कमी हो गई है, कोई और समुद्र पकड़ना पड़ेगा क्या? मालिक, इस समुद्र की सारी मछलियाँ तो आप पहले से ही बेच चुके हैं। कल शहर में समारोह है जहाँ मुझे मछलियों का सरताज घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्हें कौन समझाए? आपके समारोह में जाने की चर्चा सब जगह है। कल इस समंदर के दूसरे छोर पर आपको जाना है। समारोह के लिए पुनीत जोरों शोरों से तैयारी शुरू करने लगा। अगले ही दिन बैग में कपड़े रख कर वो नाव से समुद्र की दूसरी छोर यानी दूसरे किनारे पर जा ही रहा था। अभी समारोह शुरू होने में काफी वक्त है, तब तक एक काम करता हूँ कि इस नाव को किनारे पर लगाकर सो जाता हूँ। और पुनीत ने वैसा ही किया। नाव को किनारे से बांधकर वो सोने लगा। तब वहाँ पर मछलियों के दोनों सेनापति वहाँ आ गए और कहने लगे, देखो तो कैसे मछलियाँ बेचकर सो रहा है, उठाओ इसे। उठ जाओ, चलो उठो, उठ जाओ। कई बार प्रयास करने से पुनीत उठा। क्या है भाई, सोने भी नहीं देते चैन से। अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग, आम इंसान तो नहीं लग रहे। मछलियों के सेनापति ने पुनीत को अगवा कर लिया और बादलों के समुन्दर में लेकर चले गए। घने बादलों के बीच एक बड़ा सा समुद्र जहाँ पानी ही पानी थे, मछलियाँ ही मछलियाँ। बादलों का समुद्र देखकर पुनीत बहुत चक्का रह गया और हड़बड़ा कर बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं इससे नीचे न गिर जाऊँ। ये सब क्या हो रहा है, एक ही जगह पर बादल और समुद्र दोनों कैसे हो सकते हैं? इसका मुंह बंद करके इसे हमारी मछलियों की अदालत में ले चलो। मछलियों की अदालत, ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? सेनापति पुनीत को पकड़कर मछलियों की अदालत में ले गए। पुनीत उस अदालत के जज को देखकर डर गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ? चुप हो जाओ, आज तुम्हारे सारे कारनामों का हिसाब होगा। सेनापति, देखो तो इसने क्या क्या पाप किया है। अरे बाप रे, इसके इतने सारे पाप हैं कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पूरे 3456 पाप। मच्छर तो कभी मारा नहीं, अब से मछली को भी नहीं मारूंगा। लाओ तुम्हारा आधार कार्ड लाओ। मुखिया के कहने पर पुनीत ने अपना आधार कार्ड उन्हें दिया। अच्छा पुनीत कुमार, तुमने इतने पाप किए हैं, बहुत पाप किए हैं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे बादलों के समुन्द्र में ले चलो। अपनी जान बचाने के डर से पुनीत इतना डर गया था कि जज की सजा सुनाने से पहले ही कहने लगा, मुझे कृपया करके माफ करो, मैं आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। पुनीत को डरा सहमा देखकर मछलियों के जज और सेनापति ने पुनीत को एक मौका देने के बारे में सोचा। तुम्हारे स्वभाव के कारण हमने ये तय किया है कि हम तुम्हें एक मौका और देंगे। मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बचपन से ही पिताजी ने मछलियाँ पकड़ना ही सिखाया है। अगर तुम्हें मछलियाँ ही पकड़नी है तो तुम यहाँ बादलों के समुद्र से मछलियाँ लेकर जा सकते हो, हमें इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या सच? आखिर मछलियों के जज साहब होने के बावजूद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बादल के समुद्र की मछलियाँ अगर तुम नहीं ले जाओगे तो इन्हें बड़ी शार्क मछलियाँ खा जाएंगी, इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम यहाँ से मछलियाँ ले जाकर चंद्रपुर गांव के पास वाले समुद्र में सारे मछलियाँ डालोगे और कुछ मछलियाँ बेचकर अपना व्यापार चलाओगे। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमारी मछलियों की जान भी बची रहेगी। लेकिन इसके बाद याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जी, ये मेरा सौभाग्य होगा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। पुनीत ने उनका कहना मान लिया और वहाँ से फिर से अपने गांव चंद्रपुर चला गया।
और ठीक वैसा ही किया। बादलों के समुंदर से ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर वो चंद्रपुर के समुंदर में डाल दिया करता और कुछ मछलियाँ बेच दिया करता। मालिक, इतनी सारी मछलियाँ आप आखिर ला कहाँ से रहे हैं? कोई खदान नहीं लगी, चुप रहो और अपना काम अच्छे से करो। अब जैसा आप कहें मालिक, पूरे जिले में अब आपकी मछलियाँ प्रसिद्ध हो गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि पूरे देश में अगर आपका नाम हो जाए तो आपकी सात पुश्ते घर बैठकर आराम से खाएंगी। अपने नौकर की बात सुनकर पुनीत उस समय तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब भी वो बादलों के समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाया करता उसके मन में लालच आ ही जाता। ऐसा करते करते पूरे एक साल हो गए थे। पुनीत पहले से भी बड़ा मछलियों का व्यापारी बन गया था। पुनीत भैया, मैंने लोगों से सुना है कि आप बड़े दयालु हैं। आपकी जो भी समस्या है आप नंदू से कह दीजिए, सारी तकलीफें आपके खत्म हो जाएंगी। मैंने बस आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया। आपने इतने पैसे देकर जो मेरी मदद की है ना, भगवान आप जैसा इंसान सबको बनाए। पुनीत उन बादलों की मछलियों को बेचकर लोगों की मदद भी किया करता था, लेकिन ये बात उसके नौकर नंदू से बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन नंदू ने पुनीत का पीछा किया। चलो आ गए तुम। वो जाले निकालने में समय लग गया, हमें जल्दी चलना चाहिए। मछलियों की सेनापति जिस नाव में पुनीत को बादलों के समुंदर में ले जा रही थी उसी नाव में नंदू भी छुपकर बैठ गया था। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचे सेनापति और पुनीत एक ओर चल दिए, लेकिन नंदू उस बादलों के समुंदर को देखकर दंग रह गया। तो ये बात है, यहाँ से मालिक खूब सारे मछलियाँ लेकर धरती पर ला रहे हैं, तभी मैं सोचूं कि इतनी मछलियाँ ये कहाँ से बेच रहे हैं। मौका देखकर नंदू ने बादलों के समुंदर में अपनी लंबी सी जाल डाली और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली। और नंदू मछलियों को देखकर खुश हुआ ही था कि उसे पुनीत और सेनापति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा नौकर नंदू है, तुम यहाँ आखिर कैसे आए? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरा पीछा मत करो। तो ये तुम्हारा बंदर है, इतनी सारी मछलियाँ तुमने किससे पूछकर पकड़ी? इसमें पूछना क्या है, मछलियाँ हैं ही पकड़ने के लिए। उनकी बहस चल ही रही थी कि वहाँ पर मछलियों के जज आ गए और कहने लगे, इतना बड़ा पाप तुम्हारे सरल स्वभाव की वजह से तुम्हें हमने छोड़ दिया था, लेकिन फिर से तुम लालच में आ गए। आपको कोई गलत फहमी हुई है जज साहब, इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरे नौकर का हाथ है। नंदू ये देखिए, अब मैं इंसानों के बहकावे में कभी नहीं आने वाला। हमारी बिरादरी ही अच्छी है जो सच और अच्छा बोलती है। जी पुनीत सही कह रहा है जज साहब, ये बात सच है, इन सब के पीछे नंदू का ही हाथ है। अगर तुम ये बात कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और इस नंदू को सजा सुनाना है, लेकिन इस नंदू को सजा मिलेगी, इसलिए जाओ। जज ने जबरदस्ती मछलियाँ पकड़ने के जुर्म में सजा सुनाई। जिस कारण हम सारे मछलियों को धरती पर छोड़ रहे थे वही इस नंदू की सजा का मुख्य पात्र बनेगा। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नंदू को इस बादलों के समुद्र में छोड़ दो, इसे वापस चंद्रपुर जाने ही मत दो, पुनीत का यहाँ आना बंद कर दो, पुनीत ने हमारी बहुत मदद कर दी है। जैसा आप कहें जज साहब, मैं आपका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। और नंदू, तुमने मुझे भी भड़काने की कोशिश की थी, मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, आप मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। सेनापति ने जैसे ही आदेश सुना नंदू को वही समंदर में छोड़ दिया और पुनीत को चंद्रपुर छोड़ आया। और पुनीत चंद्रपुर आकर अपने गांव के समंदर में ही मछलियां पकड़कर साधारण जिंदगी जीने लगा और साथ ही साथ लोगों की मदद करके अपना जीवन बिताने लगा।